कोरोना की महामारी में सरकार गरीबों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, गरीबों तक ज्यादा से ज्यादा राशन पहुंचा रही है, लेकिन पीडीएस डीलर की लगातार मनमानी, धोखाधड़ी और दबंगई देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है, जहां शहरी इलाकों में नगर थाना क्षेत्र के बहलखाना रोड स्थित एक पीडीएस डीलर की मनमानी से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि डीलर ने मार्च महीने में राशन दिया था, लेकिन उसी वक्त जबरन डीलर ने पीला कार्ड धारी गरीब को इस साल दिसंबर तक का राशन कार्ड भरवा लिया था। वहीं पूरे मामले पर एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि काफी गंभीर मामला है, इस आपदा की घड़ी में अगर लापरवाही हुई है तो इसकी जाँच कर उक्त डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडवांस में ही राशन देने का एक मामला संज्ञान में आया है। एडवांस में राशन देने का मामला नहीं होगा, ये राशन कार्ड में उन लोगों का चढ़ा देने की बात हो सकता है कि प्रकाश में आई हो। ऐसे राशन कार्डों कार्डधारियों के साथ जिन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत किया है। वैसे ई पॉस के बाद कार्ड पर उसका नाम का अंकित करना वो कोई मायने नहीं रखता है, वो जो ई पॉस पर चढ़ेगा वही मान्य होगा, राशन कार्ड का अब वो सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है। केवल राशन कार्ड, राशन आपका वहाँ से मिलता है और राशन कार्ड संख्या क्या है इसके लिए महत्व रखता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का किसी ने कृत्य किया है तो वो क्षम्य नहीं है और मार्केटिंग ऑफिसर से जाँच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। देश पहले ही कोरोना के संकट से जूझ रहा है और ऐसे में पीडीएस डीलर की मनमानी और दबंगई इस संकट की घड़ी में मुश्किलें और बढ़ा रही है। न्यूज़ डेस्क।